Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English class. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मिल्टन का लिखा हुआ फेमस वर्क है दोस्तों कॉमर्स। कॉमर्स जो है किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का। ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को आपको दिमाग में बिठाते हुए चलना है। तो जॉन मिल्टन जिनको इनके ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है उनका फेमस वर्क है ये कॉमर्स। क्या है कॉमर्स जो है किसका वर्क है? ये जॉन मिल्टन का वर्क है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कॉमर्स आखिर है क्या, तो इतना याद रख लेना ये मास्क है। क्या है कॉमर्स? कॉमर्स एक मास्क है। और ये जो मास्क है ना, कॉमर्स जो मास्क है, अब इसका जो सब्जेक्ट थीम है वो हम क्या लिखेंगे? इसका सब्जेक्ट थीम क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? अ मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी। अ मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी, ये एक मास्क है जो कि किसके ऑनर में लिखा गया है? चेस्टिटी के ऑनर में लिखा गया है। अब ये चेस्टिटी किसको कहा गया है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये चेस्टिटी किसको कहा गया है दोस्तों? अब यहां पर जिस चेस्टिटी की बात हुई है दोस्तों, ये चेस्टिटी है प्योरिटी। अब प्योरिटी दो तरह की होती है, प्योरिटी ऑफ सोल एंड प्योरिटी ऑफ फिजिकल बॉडी। तो जो प्योरिटी है आपके शरीर की और प्योरिटी है सॉल की। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो आपके अंदर सॉल में प्योरिटी है, इंसान की आत्मा में प्योरिटी है, तो उसके शरीर में प्योरिटी रहेगी। तो वही सिचुएशन यहां पर दिखाई गई है प्योरिटी मतलब। और प्योरिटी स्टैंड फॉर वर्जिनिटी। और यहां पर अगर हम प्योरिटी को डीप में जाए तो इसकी बात होती है वर्जिनिटी की। एक वर्जिनिटी को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है कि एक लड़की जो कि कैसी है, वर्जिन है। और उसका मन कैसा है? उसका मन है स्टेडफास्ट, याद रख लेना स्टेडफास्ट, यानी कि दृढ़ मस्तिष्क वाली है वो। उसने अपने माइंड में वो चीज सेट की हुई है कि मुझे अपनी चेस्टिटी को ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाने देना है कि किसी भी उस पुरुष के लिए जिसको वो पसंद ना करती हो, जिसको वो प्यार ना करती हो, उसको वो अपनी चेस्टिटी को समर्पण कर दे, अपनी वर्जिनिटी को समर्पण कर दे। तो यही कारण है दोस्तों कि इसकी जो थीम है, कॉमर्स की जो थीम है वो क्या है? कॉमर्स अ मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी। कॉमर्स की थीम है चेस्टिटी ऑफ वुमेन, चेस्टिटी और द वर्जिनिटी ऑफ वुमेन, द प्योरिटी ऑफ सॉल एंड द प्योरिटी ऑफ बॉडी। इसको रिप्रेजेंट करती है ये कॉमर्स। अभी जो कॉमर्स है दोस्तों, कॉमर्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मास्क है। क्या है? मास्क है। अब दोस्तों आपको यह मालूम होना चाहिए कि मास्क होता क्या है, किसको मास्क कहा जाता है। अगर जो हम मास्क की बात करें तो अर्ली 17th सेंचुरी में आप पहुंच जाइए, 16th-17th सेंचुरी में, 16वीं-17वीं शताब्दी में मास्क का ये कह लीजिए कि एक तरह से पूरा बोलबाला था। जो मास्क होता था उसका पूरे तरह से बोलबाला हुआ करता था। अब मास्क क्या हुआ करता था, किसको हम मास्क कहते थे? मास्क क्या होता था दोस्तों? ये मास्क एक ऐसी फॉर्म थी जिसको फेस्टिवल्स पर, जो फेस्टिवल्स होते थे वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता था, मास्क को सेलिब्रेट किया जाता था। इट मींस अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, हम कह सकते हैं एक प्रकार का परफॉर्मेंस होता था। परफॉर्मेंस किसका? एक्टिंग का परफॉर्मेंस, सिंगिंग का परफॉर्मेंस। और एक्टिंग सिंगिंग होती थी और हमारी प्रेजेंटेशन जो भी उसमें होती थी वो डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ये इसका पार्ट होते थे और ये परफॉर्म किया जाता था। ठीक है ना, क्या किया जाता था? परफॉर्म। अब परफॉर्म किसको किया जाता था? अ स्टोरी टू बी परफॉर्म, एक कहानी को परफॉर्म किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ एक्टिंग, इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग, इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग। तो एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग सब इसमें हुआ करते थे मास्क में। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से मान लीजिए, आजकल आप दोस्तों देखते होंगे टेलीविजन पर बहुत सारे अवार्ड शोज आते हैं, उन अवार्ड शोज में प्रेजेंटेशन किया जाता है और कभी कभी तो किसी कहानी को एक गीत के रूप में भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वही उसी रूप में हम कहेंगे, अगर जो मैं प्रेजेंट से उसको तुलना करूं तो वो पास्ट में क्या था? वो मास्क था, कॉमर्स था, जो कि एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया जाता था। याद रख लेना व्हाट वाज द पर्पज ऑफ मास्क। मास्क का पर्पज क्या होता था? ये एंटरटेनमेंट होता था। ठीक है ना, किसी भी फेस्टिवल को एंटरटेनमेंट करना, किसी भी फेस्टिवल का आनंद लेना, दैट वाज द मेन पर्पज ऑफ मास्क। मास्क का पर्पज क्या था दोस्तों? ये किसी भी फेस्टिवल को एंटरटेन करना, आनंद लेना इन द फॉर्म ऑफ अ परफॉर्मेंस, द स्टोरी परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ एक्टिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। और
एक क्वेश्चन और कि मास्क सबसे ज्यादा फ्लोरिस्ट कब हुआ, तो योर आंसर विल बी इन 16th एंड 17th सेंचुरी, 16वीं 17वीं शताब्दी में जो मास्क का प्रचलन था वो बहुत ज्यादा फ्लोरिस्ट हुआ था, बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसका बोलबाला था जो मास्क होता था। तो मास्क समझ में आया, मास्क क्या है, एक स्टोरी परफॉर्मेंस है जिसको सिंगिंग के रूप में, एक्टिंग के रूप में, डांसिंग के रूप में परफॉर्म किया जाता था, और स्पेशली जो राजा रानी होते थे उनके सामने परफॉर्म किया जाता था, और जो कॉर्टियर्स होते थे इसमें कॉर्टियर्स भी प्ले करते थे दोस्तों इसमें। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसमें जो क्वीन, जो किंग्स उस समय हुआ करते थे वो भी इसमें परफॉर्म किया करते थे, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि मास्क में कौन परफॉर्म करते थे, किंग और क्वींस भी मास्क में परफॉर्म किया करते थे। दोस्तों आपने चार्ल्स फर्स्ट का नाम सुना होगा, चार्ल्स फर्स्ट का नाम आपने सुना होगा, इसके साथ साथ लुईस 15 ऑफ फ्रांस का नाम भी आपने सुना होगा, लुईस 15। तो लुईस 15 हुए, चार्ल्स फर्स्ट हुए आपके, और हेनरी 8 हुए, ये वो राजाओं के मैं नाम ले रहा हूं दोस्तों जिन्होंने मास्क में परफॉर्म किया था। मास्क में वो परफॉर्म करते थे, मतलब केवल उनका पर्पस ये नहीं था कि मास्क को उनको सेलिब्रेट करना है, मास्क को एंजॉय करना है, एंटरटेन करना है, केवल वॉच करना है, रादर दे यूज्ड टू परफॉर्म। वो क्या करते थे, उसमें परफॉर्म किया करते थे मास्क में। और उसमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट के नाम भी यहां पर बताए, क्या क्या नाम बताया आपको मैंने, लुईस का बताया, लुईस 15 का बताया, चार्ल्स फर्स्ट का बताया, और हेनरी 8 का बताया, कि ये ऐसे लोग थे जो कि क्या करते थे मास्क में, जिन्होंने परफॉर्मेंस भी किया था। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और ये एक स्टेज परफॉर्मेंस एक तरह का होता था। अब इसके बाद दोस्तों अब हम फिर से लौट आते हैं हम किस पर, ये तो हमें क्लियर हो गया कि कॉमर्स क्या है हमारा, एक मास्क है। कॉमर्स क्या है, मास्क है, किसने लिखा है कॉमर्स, जॉन मिल्टन ने लिखा है। कॉमर्स को किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। मास्क है, और इसका सब्जेक्ट मैटर और थीम की बात करें तो मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी, द प्योरिटी, द वर्जिनिटी। एक ये मास्क है जो कि किसके ऑनर में लिखा गया है, चेस्टिटी के ऑनर में लिखा गया है, एक पवित्रता के ऑनर में लिखा गया है। इट मींस प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, द प्रोटेक्शन ऑफ प्योरिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ चेस्टिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ वर्जिनिटी। एक लड़की के लिए उसकी वर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो उसकी इंटेंशन होती है कि वो किसको अपनी वर्जिनिटी को यील्ड करती है, या फिर किसके समक्ष अपनी वर्जिनिटी को वो एक तरह से अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो वही सिचुएशन है, अपना सब कुछ समर्पण कर देना वो उस लड़की के मन में होता है। अगर जो वो खुद यह सोचकर अपने आप को समर्पित करती है तो हम उसको इम्प्योर नहीं कहेंगे, लेकिन जब उसके साथ इस तरह से होता है जिसको वो अनइंटेंशनली या फिर उसके साथ कोई ऐसा करे और वो उसमें एग्री कर जाए ऐसी सिचुएशन में, बट देर इज नो काइंड ऑफ लव, वहां पर प्रेम नहीं है, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है ना, उसको लिटरेरी वे में हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ वर्जिनिटी वहां पर कहा जाएगा। तो ये सिचुएशन यहां पर आती है कि मास्क, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मास्क है, और इसकी जो थीम है वो भी मैंने आपको बताई, किसके ऊपर थीम है इसकी, इसकी जो थीम है दोस्तों वो इसके ऊपर है, चेस्टिटी के ऊपर है, और चेस्टिटी इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी ये लिखा गया है जो हमारा मास्क है जिसका नाम है कॉमर्स। अब दोस्तों ये जो मास्क है कॉमर्स, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कॉमर्स में किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये कब, कहां, पहले, सबसे पहले ये कहां पर रिप्रेजेंट किया गया था, और इसका जो नाम भी, अगर जो हम कहें असल में इसको नाम कहें तो इसका नाम भी वही आता है, कॉमर्स अ मास्क। ये कॉमर्स हो गया, ये मास्क हो गया, प्रेजेंटेड इन लडलो कैसे, A mask presented in Ludlow Castle. A mask presented in Ludlow Castle. Ludlow Castle में ये mask present किया गया था दोस्तों, सबसे पहले इस mask को Ludlow Castle में कब present किया गया था, 1643 कब present किया गया था, It was presented in 1643. Remember that कि Ludlow Castle में इस mask को कब present किया गया था, 1643 में इस mask को Ludlow Castle में present किया गया था, और किसके द्वारा लिखा गया है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद दोस्तों ये जो लडलो कैसल में जो प्रेजेंट किया गया था, किसके सामने प्रेजेंट किया गया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके सामने प्रेजेंट किया गया था, ये जो प्रेजेंट किया गया था ये किया गया था जॉन एगर्टन के सामने, याद रख लेना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसके सामने प्रेजेंट किया गया था? प्रेजेंटेड बिफोर जॉन एगर्टन। और जॉन एगर्टन कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट अर्ल थे, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। ब्रिज वाटर इज द नेम ऑफ प्लेस, एक प्लेस का नेम है। और उस प्लेस के जो अर्ल थे जॉन एगर्टन, द फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। ब्रिज वाटर के फर्स्ट अर्ल कौन थे? जॉन एगर्टन थे। जॉन एगर्टन के सामने इस मास्क को प्रेजेंट किया गया था। किसके सामने प्रेजेंट किया गया था? जॉन एगर्टन के सामने। एट किस जगह पर? इस पर, एट लिडलो कैसल, लिडलो कैसल में। और दैट वाज द रीजन, यही कारण था कि इसको स्टार्टिंग में कॉमस को हम ये इस नाम से भी जानते हैं कि मास्क प्रेजेंटेड इन लिडलो कैसल। लिडलो कैसल में जो 1643 में मास्क प्रेजेंट किया गया वही कॉमस था, उसको कॉमस कहा गया। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चाहे कितना ही डिफिकल्ट वर्क क्यों ना हो, मैंने आपसे वादा किया है कि उसको मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। अब से पहले जिसको आप डिफिकल्ट समझते होंगे वो अब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि लिटरेचर को एंजॉय करोगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मास्क को एंटरटेन करते थे राजा रानी। आप भी लिटरेचर का एंटरटेनमेंट लीजिए, आनंद लीजिए, और आनंद लोगे तो आनंद के साथ साथ परिणाम भी मिलेगा, और वो परिणाम आपकी सफलता के रूप में होगा दोस्तों। तो उस सफलता को आपको चखना है, और चखोगे कैसे? विद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ। तो एंजॉय द लिटरेचर, लिटरेचर का आनंद लीजिए दोस्तों। लिटरेचर का आनंद लोगे तो लिटरेचर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगी जितना आप लिटरेचर से करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले छोटा सा रिवीजन अभी इतने का। ये जो कॉमर्स है क्या है दोस्तों? ये एक मास्क है। क्या है ये? ये एक मास्क है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? मिल्टन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और इसका मास्क का सब्जेक्ट मैटर या थीम की बात करें तो क्या है? अ मास्क इन द ऑनर ऑफ चैस्टिटी। एक मास्क जो कि किसके ऑनर में है? चैस्टिटी के ऑनर में है, यानी कि प्योरिटी को लेकर है, पवित्रता को लेकर है, वो ऐसा मास्क ये लिखा गया। और पवित्रता किस चीज की? वर्जिनिटी की, प्योरिटी की, प्योरिटी ऑफ बॉडी, ठीक है ना, जो बॉडी की प्योरिटी है, एंड द प्योरिटी ऑफ सॉल, उसकी हम बात करें। इफ द सॉल इज प्योर, अगर जो सॉल प्योर है वहां से कोई ऑर्डर ही नहीं मिला, सॉल से एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला, तो बॉडी उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? तो वही चीज है यहां पर, प्योरिटी ऑफ सॉल एंड प्योरिटी ऑफ बॉडी की हम बात कर रहे हैं, चेस्टिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो मास्क है, ये जो मास्क है, इसको कहां प्रेजेंट किया गया था? लिडलो कैसल में 1643 में इसको प्रेजेंट किया गया था। और दोस्तों सबसे पहले ये जो मास्क प्रेजेंट किया गया था, ये इस स्थान पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिडलो कैसल पर प्रेजेंट किया गया था। और किसके सामने प्रेजेंट किया गया था? जॉन एगर्टन के सामने प्रेजेंट किया गया था। किसके सामने? जॉन एगर्टन, जॉन एगर्टन के सामने इसको प्रेजेंट किया गया था। और जॉन एगर्टन कौन थे? फर्स्ट अर्ल थे, फर्स्ट अर्ल कहां के थे? ब्रिज वाटर के फर्स्ट अर्ल थे। रिमेंबर दैट ही वॉज द फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, ही वॉज द फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, ब्रिज वाटर के फर्स्ट अर्ल थे। उनके सामने इस मास्क को प्रेजेंट किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों ये जो प्रेजेंट किया गया था, कब किया गया था? एक फेस्टिवल पर इसको प्रेजेंट किया गया था। और ये जो फेस्टिवल था वो कौन सा था? मिकेलमस, मिकेलमस जो कि एक फेस्टिवल का नाम है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, वहां पर उसको, उस फेस्टिवल में इस मास्क को प्रेजेंट किया गया था। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और हम ऐड कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मास्क था ये किस सेलिब्रेशन में, फेस्टिवल तो मैंने आपको बताया, किस सेलिब्रेशन में इसको प्रेजेंट किया गया था? जो मैंने अभी आपको बताया कि जॉन एगर्टन क्या थे? फर्स्ट अर्ल थे। और फर्स्ट अर्ल वो कहां के थे? फर्स्ट अर्ल थे वो ब्रिज वाटर के, कहां के दोस्तों? ब्रिज वाटर के फर्स्ट अर्ल थे। और उनके सेलिब्रेशन में जब वो लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बने, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स याद रख लेना, व्हेन ही बिकेम, जॉन एगर्टन की हम बात कर रहे हैं, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, जब उनको लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स की उपाधि मिली, तब ये जो कॉमस था, मास्क था, तब ये प्रेजेंट किया गया था बिफोर जॉन एगर्टन। This is the background of this commerce. ये दोस्तों ये general background है commerce का, जिससे question exam में आते हैं। I hope कि इतना आपको clear हो गया होगा, इतना concept clear है ये मुझे बताइए।
कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉमर्स क्या है, एक मास्क है और किसका लिखा हुआ है, जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये जो दोस्तों मास्क है, ये मास्क किस उसमें लिखा गया है, मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी में लिखा गया है। चेस्टिटी यहाँ पर हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं, वर्जिनिटी की बात कर रहे हैं, वर्जिनिटी ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं हम। और इसको प्रेजेंट कहाँ किया गया, लडलो कैसल में प्रेजेंट किया गया, 1643 में प्रेजेंट किया गया। और दोस्तों किसके सामने प्रेजेंट किया गया, जॉन एगर्टन के सामने प्रेजेंट किया गया, जो कि फर्स्ट अर्ल थे। कहाँ के अर्ल थे, ब्रिज वॉटर के अर्ल थे। कहाँ के अर्ल थे दोस्तों, ब्रिज वॉटर के अर्ल थे। तो उसके सामने प्रेजेंट किया गया। और when he was given the post of Lord President of Wales, at that time this mask Comus was presented before John Egerton. तो John Egerton के सामने उस समय इस mask को present किया गया था। और कौन सी फेस्टिवल था, मिकलमेस नाइट थी, यानी कि मिकलमेस, जैसे कि मैंने आपको बताया मिकलमेस क्या है, मिकलमेस एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल पर यह सेलिब्रेट किया गया था। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना दोस्तों, क्योंकि हर पॉइंट को बारीकी से समझते हुए चलें, अच्छी तरह समझते हुए चलें, तभी आप एंजॉय करेंगे, तभी आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी तक बताया दोस्तों। अब ये जो स्टोरी है, जो मास्क की अब हम कहानी है, अब हम उस स्टोरी की तरफ मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे कहानी की तरफ, की कहानी इसकी क्या है। तो दोस्तों कहानी जो है, इसका जो प्लॉट है वो किससे रिलेटेड है, ये कहानी है टू ब्रदर्स की और देयर सिस्टर, और उनकी बहन की, दो भाई और उनकी बहन की ये कहानी है, जो मास्क की कहानी है। किसकी कहानी है, दो भाई और बहन की कहानी। अब स्पेशली ये जो लड़की है, शी इज द सिंगल फीमेल कैरेक्टर हम कह सकते हैं, जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जो यहां पर जो लड़की दिखाई गई है, जो फीमेल कैरेक्टर दिखाया गया है, उसको हम द लेडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, द लेडी के नाम से उसको जाना जाता है। तो दो भाई और एक बहन की कहानी है, और उस बहन का नाम क्या है, द लेडी। क्या नाम है दोस्तों, द लेडी के नाम से उसको हम जानते हैं। तो वो जो है, अब ये स्टोरी होती क्या है, कहां ये चलती है, ये जो लेडी है ये एक जंगल में खो जाती है। जब ये जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो ये जो लेडी है ये जंगल में खो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा थक जाती है। और इनके जो भाई हैं, वो इस लेडी को, जिसको द लेडी के नाम से जाना जाता है, उस लेडी को बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, लेकिन वो जो लेडी है वो उनको नहीं मिल पाती, आसानी से नहीं मिल पाती। तो अब क्या होता है, वो लेडी बेचारी बहुत ज्यादा भटक रही होती है, तो उसको बिल्कुल उस तरह से आप मान के चलिए, जैसे आपने थॉमस हार्डी की एक नॉवल है टेस ऑफ द डर्वरविल्स, अगर जो आपने टेस को पढ़ा हो, तो उसमें टेस भी क्या होता है, टेस जब मेले में खो जाती है, तो वहां पर एलिक नाम का जो किरदार है, जो कि विलेन है उस कहानी का, वो वहां पर टिस के सामने आता है, और टिस से ये कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, और टिस जो है उसकी बातों में आ जाती है, एंड एनी हाउ शी इज सेड्यूस्ड, उसको सेड्यूस कर लिया जाता है एलिक के द्वारा। बट स्टिल इज टिस कॉल्ड प्योर वुमेन, लेकिन टिस को तब भी प्योर वुमेन का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हार्डी की अगर जो प्योर वुमेन की हम बात करते हैं, तो टिस का नाम सबसे ऊपर आता है, टिस को तब भी प्योर वुमेन के रूप में हम जानते हैं, कॉज ऑफ द प्योरिटी ऑफ माइंड, उसकी प्योरिटी ऑफ माइंड की वजह से, बिकॉज शी डिड नॉट एक्सेप्ट हरसेल्फ, उसने खुद ने स्वीकार नहीं किया था कि शी वॉन्टेड टू मेक एनी सेक्सुअल रिलेशन और इंटरकोर्स विद दैट पर्टिकुलर गाय नेम्ड एलिक। ऐसे ही यहां पर क्या होता है, जब वो जंगल में भटक जाती है, जो द लेडी है जब जंगल में भटक जाती है, तो उसकी मुलाकात कॉमस से होती है। किससे होती है, कॉमस से। कॉमस एक कैरेक्टर है दोस्तों, क्या है ये, कॉमस जो है एक कैरेक्टर है, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो ग्रीक से इंस्पायर्ड हम कह सकते हैं, ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक की जो चिकित्सा पद्धति है उससे भी इंस्पायर्ड ये कैरेक्टर, कहानी में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। कॉमस जो है, हम जैसे कि ग्रीक में हर्ब्स और मेडिसिन की स्टडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वही स्टडी हमें इसमें देखने को मिलती है। और स्पेशली इसमें हमें एक चीज और देखने को मिलती है दोस्तों, जैसे कि आपने क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर्स को पढ़ा हो, क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस वर्क क्या है, डॉक्टर फॉस्टर्स है, और डॉक्टर फॉस्टर्स में डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि एक एम्बिशियस मैन है, डॉक्टर फॉस्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स स्टडी नेक्रोमेंसी। उनको लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अब मुझे नेक्रोमेंसी को स्टडी करना चाहिए, इट मींस ब्लैक मैजिक, काले जादू को स्टडी करना चाहिए। सो दिस गाय कॉमस
also devotes himself in necromancy, like black magic. तो किसमें ही अपने आप को ढालता है? ब्लैक मैजिक में दोस्तों. ब्लैक मैजिक काला जादू, जो काला जादू है उस काले जादू का ये कह लीजिए कि सरताज है काले जादू का. और इस काले जादू वाले कॉमर्स के सिकंजे में कौन आ जाती है? आ जाती है द लेडी. जो लेडी आती है वो लड़की जो दो भाइयों की बहन के रूप में दिखाई गई है, वो लड़की यहां पर आ जाती है. और यहां पर अब जब कॉमर्स के हत्ते चढ़ गई वो लड़की, तो कॉमर्स का इंटेंशन तो कहीं ना कहीं गलत ही होगा ना. अब कॉमर्स क्या करना चाहता है उसको लेकर ये कहानी है दोस्तों. ये जो कॉमर्स है ये एक शेफर्ड, एक विलेजर के रूप में, डिस्गाइज के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये भेष बदलकर किसके रूप में है, एक गांव वाले व्यक्ति के रूप में कॉमर्स को दिखाया जाता है. और कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स जो है जो इस लेडी को अपने कैप्चर में ले लेता है, अपने साथ ले लेता है. और इससे ये कहता है, जब वो लेडी ये बताती है ना कि मैंने अपने भाइयों को खो दिया है, मेरे जो दो भाई हैं वो जंगल में मुझसे मतलब बिछड़ गए हैं, तो ये कॉमर्स उससे क्या कहता है, उसको वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों तक तुम्हें जरूर पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवा दूंगा. और इसी बीच में वो अपने साथ उसको ले आता है और वो ये कहता है टिल देन यू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लाइफ विद मी, तब तक तुम मेरे साथ इस जीवन का आनंद लो. और कहीं भी डरने वाली कोई बात ही है नहीं, जरा सी भी डरने वाली बात नहीं है. अब दोस्तों इसी बीच में ये इसको जो लेडी है, लेडी को किस तरह से कैप्चर करना चाहता है? हर तरह से कैप्चर करना चाहता है जैसे एक इंसान कर सकता है, जैसे कि बाय माइंड. उसके माइंड को कैप्चर करना चाहता है. माइंड को कैसे? अपनी वो दिखाकर, अपनी क्वालिटीज, अपनी वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करके, अपने आप को शाही अंदाज में रिप्रेजेंट करके वो इस लड़की की जो भावना है, फीलिंग्स है, उनको कहीं ना कहीं अपने कैप्चर करना चाहता है, उनको पकड़ना चाहता है, उसको एक तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है. और दूसरी बात ये कि वो इस लेडी पर एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी करना चाहता है. और एक्सपेरिमेंट किस चीज का? अपनी हर्ब्स का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है. जो ये स्टडी कर रहा है नेक्रोमेंसी की, उसका एक्सपेरिमेंट ये इस पर करना चाहता है. और क्या करता है, ये इस लेडी को एक कुर्सी पर बिठा देता है. ध्यान रख लेना दोस्तों, कुर्सी पर ये उस लेडी को बिठा देता है. और जब ये इस लेडी को कुर्सी पर बिठा देता है तो वहां पर इसको पीने के लिए एक ड्रिंक दी जाती है. अब ये जो ड्रिंक है दोस्तों, ये ड्रिंक किस चीज के लिए रिप्रेजेंट की गई है? और ये चीज ध्यान रख लेना कि ये जो लेडी है ये किस चीज के विक्टिमाइज्ड होती है? नेक्रोमेंसी की. नेक्रोमेंसी जो कि किसके द्वारा की जा रही है? जो ये क्या नाम है इसका, कॉमर्स. कॉमर्स जो इसके ऊपर जो ये काम कर रहा है वो इस चीज को करना चाहता है. अब ये जो इसको ये जो पदार्थ दिया गया, ये जो पीने के लिए दिया गया, ये क्यों दिया गया? वो क्या देता है उसको? ड्रिंकिंग के लिए कुछ चीज ऑफर करता है, एक मैजिकल कप, जिसको वो कहता है कि दिस इज द मैजिकल कप. ठीक है, ये एक मैजिकल कप है, इसको आप टेस्ट करो. और ये जो मैजिकल कप है दोस्तों, इसको अगर जो आप देखें तो मैजिकल कप स्टैंड फॉर द कप फॉर सेक्सुअल प्लेजर. याद रख लेना, अ कप फॉर सेक्सुअल प्लेजर, अ कप फॉर या ऑफ, जो भी आप कहें, दोनों ही यहां पर चल जाएंगे, फॉर भी और ऑफ भी. A cup for sexual pleasure, एक कप है किस चीज के लिए? सेक्सुअल प्लेजर के लिए. या फिर a cup of sexual pleasure, एक कप है किस चीज का? सेक्सुअल प्लेजर का. तो सेक्सुअल प्लेजर का कप, यानी कि in the state of intoxication, intoxication वाली स्टेट में वो उसको ले जाएगा. लेकिन दिस इज द सेंसुअल इंटॉक्सिकेशन. ये इंटॉक्सिकेशन वो ड्रिंक वाली इंटॉक्सिकेशन नहीं है, जैसे कि आप नाइटिंगेल के सॉन्ग में इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो जाते हैं, या फिर कोई शराब पीकर इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो जाते हैं. ये वो स्टेट नहीं है. ये स्टेट है किस चीज की? सेंसुअल इंटॉक्सिकेशन. ये सेंसुअल अपीलिंग स्टेट है. तो उस स्टेट में उस सेंसुअल प्लेजर, उस सेक्सुअल प्लेजर को वो उसको देना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ अ कप, एक कप के रूप में उसको देना चाहता है. और उससे क्या कहता है? और उससे वो ये कहता है, बी नॉट कॉय माई डियर लेडी, बी नॉट कॉय, मेरी प्यारी सी स्त्री, कॉय मत बनो. और कॉय का मतलब अगर जो आप देखेंगे दोस्तों, तो कॉय का मतलब क्या होता है? कॉय का मीन्स होता है शाय होना. मेरी प्यारी स्त्री, शर्माओ मत, इसको पी जाओ, इस ड्रिंक को. अब उस ड्रिंक को वो जो लेडी है, अब उस ड्रिंक को वो उसको ऑफर करता है कि ये ड्रिंक पी जाओ, और इसको तुमने अगर जो पी लिया तो तुम अपने भाइयों को तो प्राप्त करोगी करोगी, और इसके साथ साथ जो प्लेजर्स ऑफ लाइफ है, जो जीवन की खुशियां है, उसका भी तुम पूरी तरह से आनंद लोगी. अब वो लेडी जो है वो समझने लगी है कि ये क्या इंटेंशन है, कॉमर्स का इंटेंशन एक्चुअली क्या है, ये क्या करना चाहता है.
तो अब जब उसके बात समझ में आ गई है लेकिन परिस्थिति उसके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है, लेडी के पक्ष में। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये जो लेडी है कि क्या ये लेडी उस प्लेजर वाले कप को या फिर उस मैजिकल कप जिसको नाम दिया गया है, क्या उस मैजिकल कप को उसमें जो पदार्थ है उसको टेस्ट करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों इस चीज को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। और दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलने का। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। और अगर आप हमारी पेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए मेरे नंबर 9756055255 पर यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस के लिए, या फिर नोट्स के लिए जो कि वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है, इसके लिए आप मेरे इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो 1000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है ये मत समझना वो रुक गई है दोस्तों, थोड़े किसी कारण की वजह से मैं नहीं बना पाया था, वो अब फिर से आपकी कल या परसों से फिर से वो स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी आप एंजॉय कीजिए। और मैं कहता हूँ लिटरेचर का आप पूरी तरह से आनंद लीजिए विद डॉक्टर सचिन गोस्वामी। थैंक यू वेरी मच।